गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र शिशु मंदिर विद्यालय के पास एक नैनो कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना की सूचना पाकर गश्ती में निकले डुमरी थाना प्रभारी मौके पर दल बल के साथ पहुंच पानी व कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर के माध्यम से आग पर काबू पाया। घटना सुबह 10 बजे की है। डुमरी से नवाडी की ओर जा रही नैनो कार में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लगी, जिसे देखकर गाड़ी में सवार चालक व अन्य तुरंत गाड़ी से बाहर आ गए और गाड़ी धू धू कर जलने लगी। घनी आबादी वाले क्षेत्र से हटकर यह घटना खुले स्थान में घटी, जिससे किसी तरह की कोई आम क्षति नहीं हुई है। वहीं 1 घंटे तक उक्त सड़क पर आवागमन बाधित हुआ। मौके पर पहुंच डुमरी पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों के साथ मिलकर गाड़ी की आग बुझाई, वहीं गाड़ी को सड़क के किनारे कर आवागमन को शुरू कराया। सुबह 10 बजे सूचना मिला कि किसी का बिरनी गांव के एक व्यक्ति का नैनो कार सरस्वती शिशु मंदिर डुमरी के पास शॉर्ट सर्किट होने के कारण जल रहा है। इसका सूचना मिलते ही हम लोग घटना स्थल पर पहुंचे एवं ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। इसमें किसी प्रकार का किसी व्यक्ति को कोई हताहत नहीं है। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट।